महाराष्ट्र संकट के बाद अब राजस्थान में बीजेपी सियासी हलचलों को हवा देती नजर आ रही है। राजस्थान के बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया ने एक बयान देकर सियासत को फिर गर्मा दिया है। बीजेपी नेता पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को तारीफ करते थक नहीं रहे। उनके इस तारीफ के पीछे कई सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पायलट की तारीफ कर अटकलों को फिर से हवा दे दी है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के भाजपा नेताओं की सचिन पायलट के प्रति हमदर्दी दिख रही है? ये तारीफ नए सियासी समीकरण की ओर संकेत दे रहे हैं। राजनीति के जानकारों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से सचिन पायलट की तारीफ के पीछे ये माना जा रहा है कि भाजपा पायलट की आड़ लेकर गहलोत को निशाने पर ले रही है। भाजपा नेता ये चाहते हैं कि कांग्रेस में खींचतान बढ़ जाए और इसका फायदा राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सके। जानकारों के मुताबिक ये भी कहना है कि भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया ने सचिन पायलट की तारीफ करके सीधे तौर पर सीएम गहलोत पर अटैक किया है। भाजपा नेता चाहते हैं कि गहलोत पायलट गुट में चुनाव तक खींचतान मची रहे। सीएम गहलोत की ओर से निशाना साधे जाने पर खुद सचिन पायलट भी चुप रहते रहे हैं, लेकिन भाजपा नेताओं को ये रास नहीं आया। भाजपा नेता पायलट की तारीफ करते हुए गहलोत पर करारा वार करते हैं। दरअसल कटारिया ने सोमवार को दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान कटारिया ने कहा कि सचिन पायलट ने मरी हुई पार्टी को जिंदा कर दिया है। सीएम गहलोत उन्हें नकारा कहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार में खींचतान साफ देखी जा रही है। दोनों तरफ से खेमेबंदी चल रही है। एक दूसरे के लिए नकारा, निकम्मा और अंग्रेजी बोलने वाला जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ये बात सच है कि मरी हुई पार्टी को पायलट ने अपने परिश्रम से जिंदा किया है। इसको कोई नकार नहीं सकता। जो पार्टी 21 विधायकों पर चली गई थी, उस पार्टी को सरकार की पार्टी बना दिया गया। इसमें पायलट का ही तो योगदान है और उन्हें ही सीएम गहलोत नकारा कहते हैं। मुख्यमंत्री का नाम लिए बगैर ही कटारिया ने कहा कि इनके मन में जो भड़ास है वो निकल रही है। वो पार्टी को जोड़ने वाले नहीं बल्कि तोड़ने वाले शब्द हैं। गौरतलब हो कि भाजपा नेताओं की ओर से सचिन पायलट की तारीफ किए जाने पर सीएम गहलोत को रास नहीं आ रहा। इस पर सीएम गहलोत ने भाजपा नेताओं को इसका जवाब भी दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से पहले से ही भाजपा का प्रेम जग जाहिर है। पहले भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सचिन पायलट की तारीफ कर चुके हैं। करीब 2 महीने पहले की बात है, सीएम गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा था। चौमू में एक सम्मेलन के दौरान पायलट की तारीफ करते हुए शेखावत ने कहा था कि सचिन पायलट जी से कमी रह गई है, वरना राजस्थान में भी मध्य प्रदेश जैसे हालात होते। इससे पहले शेखावत ने सचिन पायलट को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताते हुए कहा था कि पायलट भाजपा में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है। पायलट जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने धुर विरोधी सीएम गहलोत पर सचिन पायलट की आड़ लेकर निशाना साधने से कभी नहीं चूकते। अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान के बाद राजस्थान की सियासत गर्मा चुकी है। शेखावत के इस बयान पर तब गहलोत ने कहा था कि शेखावत ने अपने इस बयान से साबित कर दिया है कि वो 2020 में उनकी सरकार गिराने के प्रयास में मुख्य किरदार रह चुके थे और पायलट के साथ मिले हुए थे। शेखावत ने जयपुर स्थित चौमू में कहा था कि 2020 में सचिन पायलट से चूक हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर वो पायलट मध्य प्रदेश के विधायकों जैसा फैसला लेते तो राजस्थान के 13 जिलों के लोग प्यासे नहीं होते, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम भी चालू हो चुका होता। अब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सचिन पायलट की मुक्त कंठ से तारीफ की है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इसके तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक गुलाब चंद कटारिया का ये बयान जरूर ही गहलोत की पार्टी में अंदरूनी खींचतान को बढ़ावा देना चाहती है, ताकि उसका फायदा बीजेपी को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सके। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।